कहते ना महाराज, घर में औलाद पैदा हो जाए तो इतना याद रखना कि जिस तरीके से आप अपने माता पिता को तकलीफ देते हो, आने वाली पीढ़ी आपको तकलीफ जरूर देगी। ये प्रमाणित है कि जिस तरीके से आप सताओगे उसका 10 गुना नहीं 100 गुना आप पे लगेगा, क्योंकि जमाना तो बदलता ही जाएगा। बोले कि राधा की शादी कर दो। अब बोले शादी कैसे करूं, कोई लड़का भी तो हो, कोई लड़का भी तो हो। अरे बाबा नारद बोले कि गांव में छोरा और नगर में ढिंढोरा। अपने बाबा नंद है ना, उनको छोरा है कन्हैया, कितना अच्छो है। बोले तो क्या करें, बोले बाकी रास्ता पक्को कर दो। तो कृष्ण के यहाँ पर ध्यान देना, वृषभान जी ने 100 पराते भेजी, 100 और 100 में सामान है, लेकिन जो एक परात अलग से भेजी है उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे हैं। सब परातें खोली गई, कन्हैया ने जब वो हीरा मोती वाली परात खोली तो आग बबूला आ गए। बोले जो हीरे मोती की वजह से झगड़ा भयो है, वो नौलखा हार की वजह से तो झगड़ा भयो है, और जो हीरा मोती फिर आए गए। तो बामे से कन्हैया ने एक मुट्ठी हीरा भरे और महल के पीछे फेंक दिए। भगवान की इष्ट थी, जब ये रा कहते थे तो समाधि लगने लगती थी, अब जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया से राधा 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। और जरा हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ध्यान देना, एक समय उदाहरण के लिए बता दें, राधा रानी जो हैं बैठी हुई थी, रुक्मिणी ने सवाल किया भगवान से कि एक बात बताइए, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो लोग आज भी कहते, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये कोई नहीं कहता, बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय, कोई नहीं कहता। तो राधा में ऐसी कौन सी बात है, जवाब दिया कि जाओ स्वयं देख लो। रुक्मिणी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण किए, राधा से मिलने के लिए पहुंची। गेट पर एक सहेली पहरा लगा रही थी। रुक्मिणी ने सोचा ये राधा है, कहा जाओ सामने जाओ, राधा अंदर बैठी मिलेंगी, मैं राधा नहीं हूं। गेरुआ वस्त्रों में राधा अंदर बैठी हुई है, बड़ी सुंदर है दिखने में। तो एकदम से महाराज देख करके रुक्मिणी टकटकी लगा गई और देखने लगी। राधा को देख करके बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन एक चीज निहारी कि राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा मीठे स्वर में बोली, और याली तेने कल मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, तूने कल मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। जवाब दिया कि मैं अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को इतना मानती हूं कि उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। राधा में और भगवान में बड़ा अटूट प्रेम था, लेकिन एक समय महाराज
राधा एक नौलखा हार पहन के आई, नौलखा हार गले में डाल के आई, तो भगवान ने बाहर के लाए हाथ बढ़ाई दियो, बोले दिखा दो हार कैसा है। राधा बोली ये कन्हैया इसे छूना नहीं, अगर इसे आपने छू लिया और ये आपका आपके हाथ से कहीं धोखे से भी टूट गया तो आप खुद बिक करके इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे, घर बार बेच देना तब भी कीमत नहीं चुका पाओगे। मजाक कर रही थी, भगवान बोले चलो कोई बात नहीं मजाक कर रही है। फिर भगवान ने हाथ बढ़ाया, राधा बोली ये कन्हैया अगर आपके हाथों से यह हार टूट गया तो याद रखना कि आप मैया यशोदा बाबा नंद को बेच के उनकी की कीमत दे। ये बात बड़ा खराब लगी, भगवान ने ये बात दिल पे ले ली और बहुत गुस्से में वहां से निकल गई। निकल के जब चले राधा समझ गई कि कृष्ण नाराज हो गए, इसलिए आकर के स्वयं कोप भवन में लेट गई। जब कोप भवन में लेटी हैं, 10 दिन है गए, राधा भोजन अच्छे से नहीं कर रही। बाबा नारद पहुंचे, वृषभान जी से बोले हैं कि हे वृषभान जी आपकी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहां गई है? तो वृषभान जी बोले पता ना है, एक महीना होने वाला है, राधा ढंग से भोजन नहीं कर रही। नारद बाबा बोले एक बात बताएं, बोले हाँ बता, बोले जब बिटिया ज्यादा रूठवो शुरू कर दे ना तो समझ लियो वो ब्याह, बिटिया जब ज्यादा रूठे ना तो समझ लियो जाके शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक कहावत है कि लड़की जब समझदार हो जाए तब उसकी शादी करो, बिटिया जब समझदार हो जाए तब उसकी शादी करो, और लड़का जब ना समझ हो जाए तब बाकी शादी करो। लड़की जब समझदार हो जाएगी तो पराए घर को संभाल सकेगी, और लड़का जब ज्यादा बिगड़ जाता है ना तो घर वाले कहते हैं कि शादी कर दो सोई सुधजे, और अगर तब नहीं सुधरेगा तो बाप बनने के बाद 100% सुधर जाएगा। लेकिन कछु कछु तो ऐसे बाप बनने के बाद ना सुधरते, बड़े वज्र होते हैं।